guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nandini. My name is Tisa Thapa Chhetri. My name is Kumar. तो आज हम लोग क्या करने जाने वाले हैं? आज हम लोग करने वालों को इनवाइट किया गया है तीन जगह, क्योंकि आज खर कद्दू बात. तो आज कद्दू बात है, हम लोग को इनवाइट किया गया है खरना कल है. अभी तो कद्दू भात है ना फिलहाल. अभी कद्दू भात तो इसका बिग बॉस चल रहा था अभी यहाँ पे, तो मैंने बोला चलो इंट्रोडक्शन देते तीनों, क्योंकि ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है. मतलब तीनों को मैं लाके, बिग बॉस की कौन कौन फैन है बताइए. मैं तो एकदम देखती हूँ, मजा आता मुझे. और बिग बॉस बताइए क्या हमारा फेवरेट कौन है तब? मेरा मुनावर और मनारा और मुनावर. मुझे मुनारा अनारा को मिला के मुनावर तो. और मेरे को तो कोई अभी, मतलब अभी फिलहाल कोई पसंद नहीं आ रहा है. अभी कुछ टाइम के बाद मैं बता सकती हूँ कि कौन मुझे पसंद है. तो हैशटैग है, हैशटैग है मुनावरा. मुनावरा जरूर वोट. चलो पैसा नहीं मिल रहा है इसे प्रमोट करने का, फिर भी कर दे रही है गाइस. और गाइस आप सबको दिख रहा होगा मेरे हेयर, मैंने हेयर कट करवा लिया है. जब मैं जामदा गई थी ना, मतलब टिक्का के लिए, तब वहाँ पे मैंने हेयर कट करा दिया और करीब मैं वापस आई थी. ये मैंने एक दिन वहाँ पे स्टे किया, उसके बाद मैं सेकेंड डे में आ गई. जब तो आज से मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी जामदा से. तो वहाँ पे मैंने हेयर कट कराया था अपना, दीदी करवा रही थी, तो मेरे मुझे भी मतलब थोड़ा सा काटना था, बाल छटवाना था बस. बट क्या हुआ, मेरी वो जो मतलब पार्लर वाली थी वो बोली कि बाल ज़्यादा ही तुम्हारा डैमेज हो गया तो कटवा लो पूरा. और मुझे भी मतलब ऐसे मतलब अंदर से शौक आ रहा था कि मुझे शॉर्ट्स कराने हैं, मतलब हेयर शॉर्ट कराने, एकदम मस्त दिखते टाइप. और मैंने आखिरकार बोला कि आप कर ही दो, सब उड़ा दो बाल. तो गाइस आप लोग कमेंट में बताना कि मैं कैसी दिख रही हूँ शॉर्ट्स हेयर में. मुझे तो अच्छा लग रहा था, आप लोग भी बताना मुझे. सो या अभी मैं तैयार हो गई हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे ज़्यादा तैयार होने मन नहीं कर रहा. ऐसे ही मैं कोमल चल रही है वहीं पे आंटी के घर, मतलब सामने हम लोग को मोहल्ला है ना, यहीं पे दो जन का मतलब इनवाइटेड है. और एक जगह वहाँ पे थोड़ा दूर है, वो हमारी मतलब आंटी लगती रिलेटिव ही है, मतलब बहुत क्लोज है. तो के घर में हम लोग को इनवाइट किया गया है. मम्मी तो खैर बाजार गई है, वो आंटी के घर गई थी जो हम थोड़ी दूर में रहे. आंटी के घर थोड़ा सा सामने अभी जो आंटी हम लोग को इनवाइट किए हैं, टीसा और कुमन पहले ही चल गई है, अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि जाना तो बनता है, आज है कद्दू भात. तो जो जो छठ पूजा करते हैं वो सब मुझे कमेंट में बताइएगा कि हम लोग करते हैं बोल के. हम लोग अभी कद्दू भात होता है. तो गाइस अभी चलते हैं फटाफट से, क्योंकि तैयार भी मैं हो गई हूँ. मैं लिपस्टिक बस लगा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा खाली खाली लगा. चलो गाइस लिपस्टिक लगा के मिलते हैं आपसे. तो गाइस मैंने लिपस्टिक भी लगा लिया है, मैंने थोड़ा नॉर्मल लिपस्टिक लगाया है, उतना डार्क नहीं लगाया है क्योंकि अच्छा लगता है मुझे ये शेड. तो चलो चलते हैं फटाफट. इतना भूख लग रहा था कि आके बैठ के खाने स्टार्ट. कितना दिन से नहीं खाए दोनों? चार दिन से, पाँच साल से. तो गाइज आप लोग इन लोग को डोनेशन करिएगा, क्योंकि ये लोग थोड़ा हालत से मजबूर है, लाचार है ना. तुम लोग केंद्र में भेज देंगे, मदद केंद्र में. बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं अभी, ये हेल्प कर रहे हैं मेरे मौसी है. सबको बैठ के कद्दू भात खा रहे हैं. बांट देगी ना? हाँ बांट देगी ना. धरना में हम लोग क्या क्या खा रहे हैं मैं आपको दिखा दूँगी. यहाँ पे आंटी मुझे देख रही थी तो क्या क्या देखो, ये वाला लौकी चना दाल का दाल है और राइस है, और ये कुछ साग है और चटनी और फूलगोभी आलू का सब्जी, और क्या है ये लाल साग है. खाते हैं फटाफट से. मेरे साथ कौन है आपको दिखाती हूँ. मेरे साथ है मेरी भाभी. हाय कर दी भाभी. मेरा भतीजा है, ये अपने में मगन है. हाँ 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 सब करेगा, क्योंकि खुश है क्योंकि हम लोग जा रहे पार्क. आ
प्लान कुछ ऐसा था कि मैं लेके जा रही थी इसे पार्क पर, रोने स्टार्ट, बाप रे कितना रो रहा था, इसका वीडियो बनाना चाहिए था। फायदे में जाता मेरे साथ जाता तो अभी मम्मी को, भाभी को जाना पड़ रहा है। अब बहुत भाभी को सोने वाली थी, नींद आ रहा था भाभी को, पर अब क्या कर सकते हैं बच्चे के लिए, कुछ भी ना भाभी। मेरा बात नहीं सुनेगा क्योंकि मेरे से गुस्सा होगा, क्योंकि हम इसको जबरदस्ती ले जा रहे थे घुमाने के लिए। तो भाभी किस विषय में आई है वो आपको भाभी बताएगी। चलिए बताइए भाभी किस विषय में आए। छठ पूजा के अवसर पे ना, छठ पूजा भी चल रहा है ना गाइस। कल था कद्दू भात जैसा कि आप सबने देखा, और आज है खरना जो शाम को होगा, पर अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क घूमने के लिए। कल से मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत काम था गाइस, मैं शूट नहीं कर पा रही थी। आज कुछ सुबह तो मेरी भाभी आई, इसीलिए तैयारी वारी करके रखना पड़ता है ना। आके खाना आप ही को बनाना पड़ा, वही तैयारी करके रखे थे। बताओ आप लोग कैसे भावजू हैं? हम लोग की भावजू कितनी अच्छी है, टीसा और हम, मेरी भावजू बहुत अच्छी है ना। आप भी बोले कुछ रहे और क्या झूठ बोले, बोले अच्छा बोले क्या झूठ बोले। अच्छे इंसान को सबको अच्छा लगता है, हाँ, और बुरे इंसान को सबको बुरा लगता है। वाह अच्छा बोले। ये तो मैक्स अभी यहाँ तक कैसे आ गई मैक्स? ये हम लोग का मोहल्ला में रहता है, इसको देखिए मैक्स को, ये डॉगी। गाइस इसका चप्पल खुलता है बाबू आरब का, तो फिर से आ जाता मम्मी को बनाने के लिए, बोलने के लिए, मतलब लगाने के लिए। रुकना, रुक जाओ बाबू। माँ मैं बैठी हूँ, गिरती हूँ, झोला का फोन ना है, 15 रुपया में छूट मिल गई है। जैसे ठग पार्क जी, जैसे ठग पार्क कोई भी नहीं है, छेदा है पूरा स्लाइस करने में। मैं दिखाती हूँ यहाँ का टूर में क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ही। तो बाप रे, मतलब ये वाला पार्क जो है यहाँ पे घुसने के लिए मतलब 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ ऐसा लिया जा रहा है, पर यहाँ पे पार्क का हालत एकदम बेहाल है। देख लीजिए बच्चा का पैर घुस जा रहा है यहाँ पर, दिखा दे आरब। अरे पैर घुस गया इसका, अरे तुम बार बार इसी में घुसा रहा है, इसमें मत खेलो। ये देखिए बच्चा का भी पैर भी घुस गया था आरब का। चलो आरम यहाँ पर मत बैठो, इसको यहीं पैसा ले रहा है, तो पार्क को अच्छा से बनाना चाहिए ना। बच्चा सब खेल रहा है, अभी पैर घुस गया जैसे कि आप सबने देखा होगा। ये पार्क का मैं क्या ही टूर कराऊँ, मुझे भी टूर कराने में मन नहीं कर रहा, हालत बेहाल है भाई पूरा। कुछ बच्चे सब आए हैं, बस देख लीजिए आप जैसे दिख रहा होगा यार। इससे देखिए इसको यहीं मजा आ रहा है, अब ये सो गया। आरब चलो चलो घर जानी। अरे वहाँ पे दो आंटियाँ बैठी है इतने बड़े झूले में। ये ऐसा पार्क है कि बच्चा को चोटी लगा दे रहा भैया, हर जगह एकदम गड्ढा है ये, अब रोने स्टार्ट। खुश होना चाहिए बच्चा को, तो यहाँ पे आके रो रहा है। इसको देख वीडियो बना रहा, हंसना स्टार्ट, खेलना। आरब धप्पा, चलो फिर भी इंजॉय कर रहा है, अच्छी बात है। थोड़ा बैठ के लेके आना पड़ेगा, हमको भी आना तो गाइस जैसा कि मैंने तभी बताया था कि आज खरना है छठ पूजा का, तो मैं इनवाइटेड हूँ, मैं इनवाइटेड परिवार, तो प्रसादी खाने के लिए कुछ होगा मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पर ही। अभी मैं आंटी घर जा रही क्योंकि हम लोग दोनों मतलब मेरा पूरा परिवार इनवाइटेड है इस अवसर पर। तो गाइस अभी मैं रेडी वगैरह हो गई हूँ, और मैं कैसी लग रही कमेंट में बताना। तो अभी निकलते हैं, मम्मी तैयार हो गई है, मम्मी बाहर में है,
मैं तैयार हो रही थी, मैं थोड़ा लेट हो गया तैयार होने में। तो गाइस अभी चलते फटाफट से। आंटी को देख लीजिए आप लोगों ने, यही आंटी उपास की है। हालत अभी से दिख रहा है आंटी का चेहरा का। पूजा भी यहाँ पे हो गया है। अपने बोलो छत्र मैया हमका जो हो जाएगा तो हम देखे इसी करें। दीजिए चलिए आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, भलावा तरह जो लगा दे तू छठ मैया जो लगा दे तू तो बढ़िया से डाली चढ़ी है। थैंक यू। पूजा कर रहे हैं आंटी तो हल्ला वल्ला नहीं करना रहता है, इसीलिए मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ। मतलब मैं बात कर रही हूँ क्योंकि आप उनको बताना तो ज़रूरी है ना। तो दिखाती हूँ मैं, वो पूजा होने के बाद दिखाती हूँ क्या क्या है प्रसाद में, दिखाऊंगी आपको। अभी चुपचाप रहते हैं। बट के लिए दिया वगैरह लगाया है आंटी ने, तो अच्छा लग रहा है एकदम, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, अच्छी वाइब्स आती है। तो मैं चलो मैं और दिखाती हूँ आपको यहाँ पे प्रसादी वगैरह क्या क्या है। चलो मैं दिखाती हूँ। अच्छे दिख रहे हैं। जो हाय बोल दीजिए, हाय बोल दीजिए, हाय। प्रसादी खा लीजिए। बजाय बाजा का कार्यक्रम है और ये डीजे वाला है। हेलो कर दे। इतना सारा फॉर्म सब फैला के ये उछल रहा है। पुपू बोल, पुपू जाइए ना, जाइए ना उधर। पुपू पुपू। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो होने वाली छठ पूजा पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।